मेट्रो रूट पर बस मेट्रो ही चलेगी। हुकूमत का मेट्रो के रूट के मतवाजी तमाम रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला। मतवाजी रूट्स पर चलने वाली बसों को दीगर इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। उबर और करीम की गाड़ियों पर टैक्सी लोगो लगाया जाए। सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का सेक्टर ट्रांसपोर्ट को खत। उबर और करीम पर चलने वाली गाड़ियों के फ्रंट और बैक पर टैक्सी लोगो आवेजा करवाया जाए। पंजाब पुलिस के 67 डीएसपी और इंस्पेक्टर्स ने सीनियरिटी लिस्ट पर एतराज उठा दिया। कायमुकाम आईजी ने इन डीएसपीज और इंस्पेक्टर्स को आईजी ऑफिस में बुला लिया। मुरासला की कॉपी सीसीपीओ लाहौर समेत तमाम अफसरान को भिजवा दी। बस के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, स्पीडो बस सर्विस में अब नकद किराया भी अदा किया जा सकेगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने स्पीडो बस सर्विस में नकद किराया अदा करने की सहूलत दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पंजाब भर में अफसरान को खुली कचहरी लगाने का हुक्म। डीपीओ और डीसी मुश्तरका खुली कचहरी में आवाम के मसाइल सुनेंगे। जुमे के रोज 10 से 12 तक खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा। मुरासला जारी। मीडिया को भी शुतर में महार नहीं होना चाहिए, इतनी तमीज आपको होनी चाहिए। मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। मीडिया को इतना बेलगाम नहीं होना चाहिए, मीडिया को तमीज करनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान सहाफी के सवाल पर सीख पा हो गए। गुस्से में सवाल का जवाब दिए बगैर गाड़ी की जानिब चल दिए। नाराज सहाफियों का चौहान की गाड़ी का घेराव करके एहतजाज। फयाज चौहान की तरबियत में कमी रह गई है। सहाफियों से बदतमीजी की मजम्मत करते हैं पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा की गुफ्तगु। दिल के मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। पीआईसी समेत दीगर अस्पतालों में खून की बदनाली खोलने वाले स्टंट्स नायाब हो गए। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं 42 अरब का बजट रखा है। स्टंट्स और अदवायात की खरीदारी का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। चार लाख बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। पेफ पार्टनर स्कूल्स को मुआवजा की अदायगियां रुक गईं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का 1 फरवरी से सूबा भर में एहतजाज का ऐलान। सदर एपकबियां शबीर हाशमी कहते हैं पेफ स्कूल्स को हर माह की 10 तारीख तक अदायगियां यकीनी बनाई जाएं, पैसे ना मिले तो तालीमी निज़ाम ठप हो जाएगा। मजदूरों का हर 6 माह बाद तिबी मुआयना करवाना लाजिम व मलजूम होगा। मुआयना करवाने के तमाम अखराजात मालिक या इदारा खुद बर्दाश्त करेगा। किसी फैक्ट्री में मशीनों की तब्दीली की भी इजाजत लेना होगी। तहफ्फुज ना करने वाले फैक्ट्री मालिक को कैद और जुर्माना की सजा भी हो सकती है। हुकूमत का वर्कर्स तहफ्फुज और सेहत की बेहतरी के लिए एक्ट बनाने का फैसला। बिल पंजाब असेंबली के इजलास में जल्द पेश किए जाने का इम्कान। शेल्टर्स होम मंसूबे में तीसरी बार तब्दीली। लागत 29 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रेलवे स्टेशन और दाता दरबार पर शेल्टर्स होम 1 के बजाय 2 किनाल पर तामीर किए जाएंगे। कोट लखपत जेल में मरियम नवाज की अपने वालिद से मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात आधा घंटा जारी रही। मरियम नवाज अपने वालिद के लिए खाना और ड्राई फ्रूट्स भी साथ लाई। नवाज शरीफ का मौसम के बायस थोड़ा सा गला खराब, मामूल का चेकअप, तिब्बी इमदाद दी गई। जेल हुकाम नवाज शरीफ के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। जेल महफूज है, कैदी कैदी होता है चाहे वो जिस भी जुर्म में आया हो। शहबाज शरीफ जब आएंगे तब देखेंगे उन्हें कहाँ रखना है। सूबाई वजीर जेल खानाजात जवार हुसैन की मीडिया से गुफ्तगु। आईजी जेल खानाजात के दफ्तर में कैदियों में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए मुफ्त अदवायात तकसीम की गयी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तबी हालत, मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर जमानत मंजूरी की दरख्वास्त की तैयारी। वकला की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जमानत का ड्राफ्ट भी तैयार। दरख्वास्त जमानत आइंदा चंद रोज में लाहौर हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। वफाकी वजारत कानून की शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक
केस के तमाम दस्तावेजात फराहम करने की हदायत, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुरासला भी अरसाल। खादर साद रफीक का भी सुप्रीम कोर्ट पेशी के लिए 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर, नैब टीम इस्लामाबाद ले गई। पंजाब असेंबली में शहर के मास्टर प्लान में तब्दीली की गूंज, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। लीगी रहनुमा शेख अलाउद्दीन कहते हैं शहर की हदूद को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, रिहायशी इलाकों में कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं। लाहौर के मास्टर प्लान का काला आसमाओं ने बेड़ा गर्क कर दिया। वजीर कानून राजा बशारत ने कहा माजी में इदारों को घर की लौंडी बनाकर रखा गया, सरकारी जमीनों की बंदर बांट की गयी, शहर की असली शक्ल में बहाली के लिए इकदाम किए जाएंगे। मेट्रो ट्रेन मंसूबा खजाने पर बोझ, 10 अरब रुपए सिर्फ महाना अखराजात के लिए दरकार, हुकूमत 120 अरब रुपए सालाना के बोझ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान एक मरतबा फिर मंसूबे के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं खाली खजाने के साथ ऐसे चोंचलों को कैसे चलाया जा सकता है, शहाना फैसले करने वालों ने पंजाब के आवाम के साथ जुल्म किया, मंसूबा मुकम्मल करने के अलावा कोई चारा नहीं, कम से नुकसान करना चाहते हैं। सेक्टरी स्कूल एजुकेशन अरबों रुपए मालियत के एहसासों के मालिक निकले, शेख जफर इकबाल फ्लोर मिल्स, राइस मिल्स, पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन के मालिक हैं। आमदन से ज्यादा असासा जात कैसे बनाए, नैब ने पूछताछ शुरू कर दी। जायदादों का रिकॉर्ड हासिल करने के मुतालिक इदारे को मुरासला लिख दिया। गवर्नर ने गवर्नर हाउस खाली कर दिया, सिक्योरिटी एहलकार अभी भी 100 से ऊपर। गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी पर 111 सिक्योरिटी एहलकार तैनात, 2 रिहायशगाह पर 109 गवर्नर हाउस में। वजीर आला के घर सिर्फ 4 तैनात, स्पीकर पंजाब असेंबली के घर 1, मुतअद्दिद वफाकी और सूबाई वज़रा के घरों पर 2-2 एहलकार तैनात। ऐवान में VIP सिक्योरिटी के बारे रिपोर्ट पेश। हुस्न सवारने के नाम पर हुसन बिगाड़ने वालों की शामत आ गई, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की खसूसी टास्क फोर्स तश्कील, स्टोर्स पर गैर मयारी क्रीमें और कॉस्मेटिक्स की छानबीन जारी, गैर मयारी कॉस्मेटिक्स का सामान जब्त और स्टोर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर न्यूज ने उठाया शहर को चमकाने का मिशन, लाहौर न्यूज के निशानदही पर सफाई की निगरान कंपनियां शहर की सफाई सुथराई में मसरूफ, शहादारा एबर्ट रोड और गुलशन रावी से गंदगी के ढेरों का सफाया, अरसा से जमी धूल धो दी गई, सड़क चम चम कर उठी, MD LWMC फरख कयूम का रोड को मॉडल रोड बनाने का ऐलान। आपकी खदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे, अगर गंदगी और ताफुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फोरी फुटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के इस नंबर पर 03444450192। हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अरबाब इख्तियार तक। महंगी LPG, बिजली की आंख मचोली, गैस की भी लोड शेडिंग, सुई गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा, लिटन रोड के मकीनों का सबर जवाब दे गया, सड़कों पर आ गए, सुई नॉर्दर्न गैस इंतजामी के खिलाफ एहतजाज, गैस दो के नारे। महंगाई लोड शेडिंग से परेशान आवाम की पहुंच से टमाटर भी बाहर, शहरी लाल टमाटर की कीमत सुनकर लाल पीले होने लगे, टमाटर की सरकारी कीमत 25 से 30 रुपए फी किलो 60 रुपए में फरोख्त होने लगा, महंगाई से परेशान आवाम चकरा गए। टमाटर ने तो हद ही मुका दिया, अभी भी हमने लिए हैं और बिल्कुल छोटे छोटे टमाटर। टमाटर जो है वो 60 रुपए हो गए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, सारी तकरीबन सब्जियां महंगी हो गई है, 30 रुपए किलो से अब 60 रुपए हो गए हैं, तो अब हर हांडी में डालना है, हर चीज में डालना है, तो अब आम किधर जाए। गुजरात पुलिस फंड्स करप्शन केस राय एजाज के बाद एक और DPO नैब के शिकंजे में आ गया, नैब लाहौर ने साबिक DPO गुजरात कामरान मुमताज को गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम पर पुलिस फंड्स में मजमुई तौर पर 55 करोड़ रुपए की मुबैना खुदबर्द का इल्जाम, तर्जमान नैब लाहौर।
मीटर रीडर्स के तमाम मुतालबे जल्द पूरे किए जाएंगे। नए मोबाइल फोन इसी माह फराहम कर दिए जाएंगे। लहसको चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा का लेबर हॉल में मीटर रीडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो यूनियन खुर्शीद अहमद ने कहा, महकमे बिजली का मुलाजिम अपनी जान खतरे में डालकर काम करता है, हुकूमत लहसको मुलाजमीन को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। और साल नौ में महकमे एक्साइज के पुरकशिश नंबर्स की नीलामी, शहरियों ने मनपसंद नंबर्स पर दिल खोल कर रकम खर्च की। LE1 11 लाख रुपए में फरोख्त हुआ, 786 नंबर 3,03,000 में बिका।